हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे फाइटो एलेक्सेंस की जब हमने डिफेंस मैकेज़म के बारे में पढ़ा था तब हमने फाइटो के एक पोर्शन को डिस्कस किया था पर चूँकि आपके सिलेबस में अलग से मैंशनड है और इसमें एक बड़ा क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है तो इट इज़ एडवाइजेबल टू तो स्टडी दिस टॉपिक इन डिटेल सो so, इसीलिए मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है सो फाइटो एलेक्जेंस फाइटो एलेक्जेंस आर डिफाइंड एज स्लो मॉलिक्यूलर वेट एंटी माइक्रोबियल कम्पाउंडस दैट आर बोथ सिंथेसाइज एंड एक्यूमलेटेड इन प्लांट्स आफ्टर एक्सपोजर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ए बायोटिक एजेंट्स ओके तो या तो ये क्या होते हैं दे आर सिंथेसाइज या फिर इनका एक्यूमिलेशन हो जाता है जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी ए बायोटिक एजेंट्स प्लांट के संपर्क में आता है The term phytoalexin is derived from Greek phyto meaning plant and alexin means warding of compound. The concept were formalized by Muller and Börger 1941. Muller 1958 demonstrated the detection of a chemical entity as a phytoalexin while working with the hypersensitive response of bean tissues to the soft fruit pathogen Monilinia fructicola. Concept of phytoalexins. Muller and Borger concept of phytoalexin and their conclusions. Number one point: phytoalexin is formed only when the host cell come into contact with the parasite. Then second point: the defence reaction occurs only in the living cells. And then it comes: the inhibitory material is a chemical substance and may be regarded as a product of necrobiosis of the host cell. Phytoalexin is non-specific in its toxicity. The resistant state is not inherited. The defense reaction is confined to the tissue colonized by the fungus and its immediate neighborhood. So, these are characteristics of phytoalexins. Now, what is the chemical nature of Phytoallaxin? They are broad-spectrum inhibitors and are chemically diverse with different types characteristics of particular plant species. Phytoalexins tend to fall into several classes including terpenoids, glycosteroids and alkaloids. Derivatives simple phenylpropanoid pathway, shikimic acid pathway, trp pathway and mevalonic acid pathway. डिराइड फ्रॉम वन और मोर प्राइमरी बायोसिंथेटिक पाथवे कैप्सीडोल ये एम वी ए से जैसा मैंने पहला बताया एम वी ए इज मेवालनिक एसिड पाथवे देन पिसेथिन जो हैं वो बनते हैं शिकेमिक ए एंड एसिटेट मेलोनेट पाथवे से दैट इज एम पी एंड एम वी ए या लेटर ऑन भी आएगा तो आपको इनके एवेविशंस याद रखने हैं मच डाइवर्स इन केमिकल स्ट्रक्चर फाइटो एलेक्स प्रोड्यूस्ड बाई मैनी प्लांट फैमिलीज

कॉल द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन तो ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन और फाइटोएलेक्सिन्स क्या हैं दोनों मीन्स दे वर्क साइमल्टेनियसली तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस की तो आप इसको उसके साथ अटैच कर सकते हैं इसका जो पोर्शन एच आर के अंदर है वो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ वो भी आपके एक अलग से टॉपिक है सिलेबस के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस ओके ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स और अ फ्यू डेज फॉलोविंग इन्फेक्शन बाई एन इनकम्पेटेबल रेस और स्पीशीज ऑफ प्लांट पैथोजन एज द डेथ और डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट सेल्स इमिजिएटली एडजस्टेंट टू द इन्फेक्शन साइड को कंटेमिनेट विद प्रोसीडिंग द रेस्ट्रिक्शन ऑफ पैथोजन डेवलपमेंट बिकॉज इसका मतलब है कि जो ये ऑब्जर्व होते हैं इन्फेक्शन के कुछ टाइम के बाद ही जब भी प्लांट पैथोजन या कोई भी फॉरेन एजेंट प्लांट के संपर्क में आता है तो उसके कुछ टाइम बाद ही फाइटो को आप प्लांट्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं फाइटो इन एल्थ हेल्थ इंडोल फाइटो इसको हम कहते हैं कैमेलैक्सिनव हैव ऑक्सीडेंट एंटी, एंटी कार्सिनोजेनिक

दैट इज एक्स हाइपोजिया फाइटो एलैज हैव एंटी डाइबिटिक एंटी कैंसर एंड वेस्को डाइलेटर इफेक्ट्स तो ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देन कम्स द ग्लाइसियोलिन इट इज़ अ सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स हैव एन एंट्री प्रोलीफरेटिव एंड एंटी ट्यूमर एक्शंस द सॉर्घम दैट इज सॉर्घम बाय कलर फाइटो जो इसके अंदर होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन थ्री डी ऑक्सी एंथोसाइनेंस माइट बी यूजफुल इन हेल्पिंग टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कैंसर द फाइटो रिजर्वेटॉल

Restriction of the pathogen development must be associated with phytoalexin production. Phytoalexin must accumulate to antimicrobial levels at the infection site in resistant plants or cultivars that could result the cessation of the pathogen growth.

Ipomoe maron it is an abnormal subs it is an abnormal sesquiter ses sesquiterpenoid induced in sweet potato tissues infected with black rot fungus that is ceratosytis fambriata. it has a striking inhibitory effect on the fungus even in small concentration of 0.1% concentrations it is effective more phytoalexin is produced in the resistant varieties than in the susceptible ones. Then it is pesatin, it has the chromocomarine ring system and is a phenolic ether. तो पिसैथिन क्या है एक फिनॉलिक की इट इज प्रोड्यूस्ड इन पी इन रिस्पॉन्स टू इनोकुलेशन विद मैनी फंजाई और इन रिस्पॉन्स टू इंजरी प्रोडक्शन ऑफ पिसैटिन बाय पी पॉड्स इनोकुलेटेड विद मोनीलिया फ्रोक्टिकोला नॉन पैथोजन इज रिड्यूस्ड एट हाई टेम्परेचर एंड ऑन एनेरबिक स्टोरेज इट इज़ अ वीक एंटीबायोटिक विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम देन फैजियोलिन It is similar to pristatin in chemistry and uh, and its function. It is fungicidal at high concentration and fungistatic at low concentrations against as fructigena. A number of compounds such as flow, phagiolinosophlavone, flo uh, and kivitone, which are structurally similar to phagioline, have been identified. Glycine. it is produced in soybean plants infected with the fungus Phytophthora megasperma uh, form species Glycinia. inoculation of fungal races resulted in higher concentration in compatible host cultivars than in inoculation of fungal races on the compatible cultivars due to reduced biodegradation rather than increased biosynthesis then isocoumarin isolated from carrot root tissues inoculated with the fungus non-pathogenic to carrot that is Ceratocystis fimbriata it can also be produced in response to a number of non-pathogenic microorganisms such as c. almi helminthosporium carbonum fusarium oxysporum फॉर्म स्पीशीज लाइकोपर्सिकाई एंड थाइलेविय पॉसिस बेसिकोला केमिकली रिलेटेड टू द पेट्रोकार फेजियोलिन तो ये केमिकली जो आइसोकॉमेरिन है ये फेजियोलिन के ही जैसा इसका कैमिकल स्ट्रक्चर होता है देन ट्राई फॉलिराइजिन इट इज़ अ न्यू ग्लूकोसाइड विच हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द रूट्स ऑफ रेड ग्लोव्स Its structure indicates that it is chemically closely related to pisatin. Then, Richitin, Muller, and in 1940 were the first to show that the potato tubers carrying the gene R1 for late blight resistance respond when inoculated with a virulent race of P. infestans by producing a phytoalexin that inhibited the development of a virulent race. It is a bicyclic non, non ses sesquiterpene alcohol. Then gossipol, it is an ether soluble phenol, it is produced in diseases like black spot of rose, leaf spot of wheat, etc. Then xanthotoxin, isolated from the pars pa parsnip root discs, inoculated with C. frimbiata, inoculation with other pathogens resulted in the production of xanthotoxins. Then capsidiol it is a it is a sesquiterpene phytoalexin produced in pepper fruits inoculated with a non pathogenic fungi Reduced concentration are sufficient to inhibit these fungi in vitro. That means यदि हम इसको ए, ए, extract कर लें तो हम उनको जो हमने in vitro fungi grow कर रखी है उनको भी हम क्या कर सकते हैं uh, उनमें भी हम infect कर सकते हैं उनको या उनको भी ये inhibit कर सकते हैं उनकी growth को sorry. Then मेडिकार्पिन Alpha alpha medicago sativa inoculated with a series of pathogens and non pathogens have been studied. The antifungal compound was isolated and identified as medicarpin. दीज आर द सम स्ट्रक्चर्स ऑफ फाइटो एलेक्जी इसमें से कुछ आप स्टडी कर लिए हो सकता है कुछ गो थ्रू दी से स्ट्रक्चर्स और कुछ आप इनमें से थ्री फोर लर्न कर लीजिए या याद कर लीजिए क्योंकि कई बार ये आपके क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आ जाते हैं कि इस का स्ट्रक्चर लिखिए या किसी भी टू और थ्री फाइटो एलैक्न का नाम बताइए और उनका केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए जस्ट गो थ्रू इट दैन कैमिल एक्सिन An, indole, an indolic secondary metabolite is a major phytoalaxin in arabidopsis thaliana its synthesis is stimulated by a variety of microorganisms including pseudomonas syringae Alternaria brassicola and botrytis in area and by some biotic stresses such as AGNO3 and amino acid starvation and it has been shown to inhibit the growth of fungal pathogen. हावे वर द सिग्नलिंग पाथवे कनेक्टिंग पैथोजन इन्फेक्शन टू कैमेलेक्सिन बायोसिंथेसिस इज नॉट कम्प्लीटली नोन कि पैथोजन के इन्फेक्शन और कैमेलेक्सिन के सिंथेसिस में क्या समानता है या वो किस तरह से एक्ट करते हैं ये अभी तक Uh, हमें पता नहीं है इंडक्शन ऑफ फाइटो एलैक्सिन बायोसिंथेसिस के फाइटो एलेक्सिन के सिंथेसिस को कैसे इंड्यूस करते हैं या किस तरह से उसका इंडक्शन होता है इंडक्शन ऑफ ए माइट्रोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज दैट इज एम ए पी के कैसकेट इन्वॉल्विंग एम पी के थ्री एंड एम पी के सिक्स कैमेलेक्सिन इंडक्शन इन एरेबिडॉपसिस इन्फेक्टेड विद पी सिरेंजे इज डिपेंडेंट ऑन द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डब्ल्यू आर के वाई थ्री थ्री विच बाइंड डायरेक्टली टू द प्रमोटर ऑफ द केमेलैक्सिन बायोसिंथेसिस जीन दैट इज पी ए डी थ्री एम पी के थ्री और एम पी के सिक्स सिग्नलिंग सिग्नलिंग लीड्स डायरेक्टली टू फॉस्फोराजेशन ऑफ डब्ल्यू आर के वाई थ्री थ्री एंड दिस ड्राइवस केमेलेक्सिन प्रोडक्शन इन एरेबिडोपसिस चैलेंज बाय द पैथोजन तो ये एक दे रखा है किस तरह से केमेलेक्सिन का इंडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर इंडक्शन ऑफ फाइटो एलॉक्सिन बायोसिंथेसिस डब्ल्यू आर के वाई थ्री थ्री इज़ अ टारगेट ऑफ एम पी के सिग्नलिंग दिस वर्क एस्टेब्लिशेज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन एम पी के थ्री और एम पी के सिक्स एंड डब्ल्यू आर के वाई थ्री थ्री डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट डब्ल्यू आर के वाई थ्री थ्री इज़ अ टारगेट ऑफ एम पी के थ्री और एम पी के सिक्स सिग्नलिंग एंड इज नेसेसरी फॉर द इंडक्शन ऑफ कैमेलैक्सिन बायोसिंथेसिस इन एरेबीडॉपसिस फॉलोइंग इन्फेक्शन बाय द नेक्रोट्रॉफिक फंजाई बी इन एरिया दैट मीन्स जो डब्ल्यू आर के वाई थ्री थ्री है वो टारगेट है एम पी के थ्री एम पी एम ए पी के थ्री या सिक्स की सिग्नलिंग का कंक्लूज़न इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं अब इस सब जो भी अपन ने थ्योरी बनाई है फाइटोएलेक्सिंग्स आर ओनली वन कंपाउंड ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट्स मोस्ट ऑफ देम रेगुलेटेड थ्रू एम ए पी का इन ए पाथवे ओके एम ए पी के सिग्नलिंग से इनका रेगुलेट होते हैं देन हेल्थ प्रमोटिंग इफेक्ट है चैलेंज इज सो डेफायर एंड आइडेंटिफाई द कम्पलीट बायोसिंथेटिक पाथवे एंड द की एंजाइम्स टू एम्प्लॉय ट्रांसजेनिक स्ट्रेटेजी इन डिजीज रेजिस्टेंस थैंक यू सो मच तो ये पूरा अकाउंट है फाइव टू का जो कि कई बार आपके डिटेल क्वेश्चन में भी आ जाता है या शॉर्ट नोट में भी आ जाता है तो गो थ्रू इट एंड इट विल हेल्प यू अलॉट थैंक यू सो मच